नमस्कार, मेरा नाम अमन झा है और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन। आज की रोजगार समाचार में सबसे पहले बात करेंगे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच जमा होगा। इसके लिए मेगा सूची का प्रकाशन की तिथि 13 जनवरी को CDPO कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर सप्ताह भर के लिए प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 14 से 20 जनवरी के बाद आपत्ति ली जाएगी। फिर 21 से 31 जनवरी के बीच आम सभा कर विभागीय मार्गदर्शिका के मुताबिक सभी आवश्यक कार्रवाई संबंधित महिला पर्यवेक्षिका व CDPO कार्रवाई ऑनलाइन आवेदन के साथ मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अगर आप 12वीं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर 316 फॉरेस्टर पदों पर वैकेंसी जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इन 3 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू होगी और उम्मीदवार 5 फरवरी 2020 तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को UKSSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने JEE मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार JEE की ऑफिशियल वेबसाइट jeemains.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने 17 सितंबर 2019 को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। परीक्षा का आयोजन 6 से 11 जनवरी 2020 को किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 3 सितंबर 2019 से 30 सितंबर तक की गई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने पटवारी की 4207 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2020 से शुरू होगी और 19 फरवरी 2020 को रात 11:59 बजे तक चलेगी। धन्यवाद।